सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी की इस ब्रांड न्यू मास्टर इन्वेस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। काफी समय से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड थी कि मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग पे एक पूरी सीरीज करूं, तो आपके पॉपुलर डिमांड पे प्रस्तुत है आपके सामने ये पूरी सीरीज जहां पे हम कवर करेंगे सारे स्टॉक इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स। मैं कोशिश करूंगा पूरी हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने की और सारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जो लोग समझते हैं उनको हम सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैं कोई आपसे एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करने वाला हूं। हम एक सिंपल सी बात डिस्कस करेंगे कि आखिर लोगों को स्टॉक मार्केट से डर क्यों लगता है, किस तरीके के रिस्क होते हैं, कितने हमें रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब देखिए, ये जो डर है ये हमें अलग अलग चीज़ों से लग सकता है और जनरली हमें डर लगता है जहाँ पे हमें नॉलेज नहीं होती, ऐसे सब्जेक्ट से हमें डर लगता है। अब अंधविश्वास भी तो एक डर ही है। हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज जब हो जाती है तो हमारा अंधविश्वास खत्म हो जाता है, हमारा डर भी खत्म हो जाता है। अगर हम साइंस में बिलीव करते हैं, हम एजुकेटेड हो जाते हैं, तो अंधविश्वास हमारा उसी हिसाब से कम हो जाता है। सेम ही कॉन्सेप्ट आपका स्टॉक मार्केट में है। जब लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, इसीलिए उनको डर बैठ जाता है। और साथ में स्टोरीज तो हमें काफ़ी सुनने को मिल ही जाती हैं कि भाई एक्स वाई जेड मेरे रिश्तेदार ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था और सारा पैसा गंवा दिया, 90% लॉस हो गया, 80% लॉस हो गया। वो लॉस भी शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही हुआ था, लेकिन उनका लॉस तो हुआ, उन्होंने शायद आपको भी डिस्करेज कर दिया कि स्टॉक मार्केट की तरफ आप कभी ना देखें। लेकिन आप समझ के देखिए स्टॉक मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरे नेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट्स भी इनको ट्रैक करती हैं और आज की डेट में मैं आपको बता दूं पेंशन स्कीम्स भी स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट कोई जुआ है, कोई गैम्बलिंग है, तो गवर्नमेंट्स उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? डेफिनेटली स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है और हम ये आने वाले वीडियोज में समझेंगे कि ये जुआ क्यों नहीं है। हर स्टॉक के पीछे एक अंडरलाइंग एसेट होता है, एक बिजनेस होता है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। तो हमारी क्या कोशिश रहेगी कि हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं जिससे हमारा ये डर खत्म हो जाए। और किस तरीके के ये डर होते हैं, किस तरीके के रिस्क होते हैं, इनकी मैं अभी जल्दी ही बात करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के बारे में थोड़ा सा और बता दूं जिससे आप इससे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकें। आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, तो उनको एनालाइज करके मुझे ये समझ आया कि शायद इंटरनेट पे इजी लैंग्वेज में क्वालिटी कॉन्टेंट अवेलेबल ही नहीं है स्टॉक इन्वेस्टिंग पे। तो इसका सोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम हाई क्वालिटी कॉन्टेंट बनाएंगे, हिंदी लैंग्वेज में बनाएंगे जिससे कि हर किसी को ये समझ आ सके इंडिया के अंदर। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को ही हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि कई बार क्वालिटी कंटेंट आपको अगर मिल भी जाता है तो वो शायद यूएसए का डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की, साथ में उसको सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास की मैथमेटिक्स अगर आपको आती है और बेसिक इंग्लिश आती है कि एटलीस्ट आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकें और साथ में मैथमेटिक्स यूज करके कुछ नंबर्स एनालाइज कर सकें, तो आप ये स्टॉक मार्केट सीरीज फॉलो करें, आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग आ जाएगी। तो पहली प्रॉब्लम का सलूशन तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम है, हमने काफी सारा कंटेंट बनाया था, इनफैक्ट मैं भी ये फेस कर रहा था, लोग कहते थे कि आपका समझ नहीं आता कि कंटेंट हम कहां से शुरू करें। अब 400 से ज्यादा वीडियोस आज की डेट में बने हुए हैं, उसमें से कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड हैं, तो वो कहां से शुरू करना है एक सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं था। तो इस सीरीज को हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलाएंगे। नंबर 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा ये सारी सीरीज, और जो हमारे एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उनकी भी मैं नंबरिंग कर दूंगा, तो जब वो टॉपिक डिस्कस होना होगा तो आप उस सीरीज के अंदर उस नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। और तीसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक बनाएं और उसके अंदर अपने नोट्स लें। अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको ज्यादा समय तक कोई बात याद रहेगी। और चौथी बात, ये ऑनलाइन कंटेंट है, आप वीडियोस कभी भी देख सकते हैं, अपने घर बैठ के देख सकते हैं, ट्रैवल करते वक्त देख सकते हैं। कोई बात समझ ना आए, आपको लगता है कि मेरे को कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से देखना है, तो आप वीडियो दोबारा जाके देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। ये तो एनीवे एडवांटेज है ही यूट्यूब वीडियोज की। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे और हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आखिर लोगों को इतना डर क्यों लगता है और वो डर हमें कैसे कम करना है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अब आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है, जैसे कि आपको इनिशियल हैंड होल्डिंग की जरूरत है, कैसे आपको स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9292924848 पे। साथ में नीचे ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास खुद समय नहीं है रिसर्च करने का, इन्वेस्ट करने का, तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आखिर हमें ये स्टॉक मार्केट से डर लगता क्यों है, पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझ के देखते हैं कि पास्ट में मैंने भी जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है होता क्या है जनरली लोगों के साथ।
जब बुल रन होता है, मार्केट बहुत अच्छा कर रही होती है, तो काफी लोग पैसा बना लेते हैं उसके अंदर, और वहां से एक्साइट होके कुछ नए निवेशक भी आ जाते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहेंगे, वहां पे ऑल शिप्स राइज विद द राइजिंग टाइड जो कहावत है पूरी की पूरी एप्लीकेबल हो जाती है। हर किसी का फायदा हो रहा है तो नए इन्वेस्टर्स का भी फायदा हो जाता है, नए इन्वेस्टर का फायदा हो गया, वो एक्साइट हो गया, सबको बताता है अपने प्रॉफिट्स के बारे में। लेकिन स्टॉक मार्केट एक साइकिल की तरह ऑपरेट होती है, बहुत लोग इस बात को समझते नहीं है। जब इतना ऊपर कोई मार्केट चढ़ रही है, बहुत तेजी से चढ़ रही है, तो वो गिर भी सकती है, क्योंकि मार्केट्स मूव इन एक्सेसेस। हम ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं तो हम एक चीज का दाम 5 रुपए की जगह 7 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। डिटेल में हम आएंगे कि ये प्राइसिंग कैसे होती है, हम क्यों इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट पहले आप ये स्टोरी समझ के देखिए। हमने एक बार इन्वेस्ट करना शुरू किया, कुछ पैसा बना और हमने सारे लोगों को बताया। उसके बाद जैसे ही एकदम से बस्ट हुआ, जैसे ही वो साइकिल डिक्लाइन पे गई, लोगों का लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो इतना हो गया, जो न्यू इन्वेस्टर्स थे, मान लीजिए उन्होंने 20% का प्रॉफिट बनाया था, या हो सकता है पैसा डबल भी कर लिया हो, बाद में पता चला कि उनका 80% लॉस हो गया, वो लॉस इतना ज्यादा हो गया, मार्केट से इतने ज्यादा गिर गए, तो अब क्या होगा? वो अपने बाकी के रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बोलेगा कि स्टॉक मार्केट में मैंने तो पैसा बनाया बहुत था, मैंने दिमाग भी बहुत लगाया था, लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल ओनली मेक लॉसेस, सिर्फ यही बात कही जाएगी सबको। अब देखिए कहानी कैसे बनी। जिस इन्वेस्टर ने पैसा बनाया इनिशियली, बाद में लॉस कर लिया, उसने तो स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए छोड़ ही दिया, साथ में उसने 20 लोगों को और इन्फ्लुएंस किया कि अब आप लोग भी इन्वेस्ट मत कीजिए, यहाँ पे तो सिर्फ लॉस ही होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है, मैं कहूंगा तो काफी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बुरा ही बोलना शुरू कर देते हैं, और सिमिलरली ये साइकिल रिपीट हो जाती है, दोबारा से बुल रन आता है, फिर दोबारा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जो पुराने ठहरे हुए निवेशक होते हैं, उन्हें पता है ये साइकिल्स आती जाती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम लंबे समय की बात करते हैं, जब हम 10 साल की, 15 साल, 20 साल की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट्स ऊपर ही जाते हैं। ये मैं आपको अभी ग्राफ से भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए सेंसेक्स अप्रैल 1979 से लेके सितंबर 2019, यानी कि 40 साल का मैंने पूरा हिस्टोरिकल चार्ट यहां पे बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे ग्रो किया है ओवर 40 इयर्स। और ये होता क्या है, सेंसेक्स पहले हम समझ लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, तो उसे हम एक्सचेंज कहते हैं, उनका एक इंडेक्स होता है। अब सेंसेक्स क्या है, इट इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कि जो कंपनीज की स्टॉक मार्केट के ऊपर वैल्यू लग रही है, उसके अंदर जो टॉप 30 कंपनीज आती हैं, उनका इंडेक्स होता है आपका सेंसेक्स, और इसकी बेस वैल्यू 100 रखी गई है। मान लीजिए इन टॉप 30 कंपनीज की टोटल वैल्यू अगर 100 थी 1 अप्रैल 1979 को, तो आज की डेट में वो कितनी हो गई? तो अगर मैं आज की डेट में सितंबर 2019 की बात करूं, तो आज की डेट में ये हो गई है 36,000। तो आज की डेट में जो सेंसेक्स चल रहा है वो 36,000 के ऊपर है। अगर हम मान लें कि सेंसेक्स एक स्टॉक होता, तो आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करे होते सेंसेक्स में, वो आज ग्रो करके 36,000 हो जाते, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए निवेश करे होते तो वो 36 लाख हो जाते। इसका सिंपल सिंपल ये मतलब है। और अगर हम इसे रिटर्न की फॉर्म में बात करें, तो ये करीब 16% का एनुअलाइज्ड कंपाउंडेड रिटर्न हो जाता है। तो ये तो मैंने आपसे बात कर ही ली कि हमने 40 साल का जो एवरेज रिटर्न देखा, वो देखा 16% का। 100 रुपए बन गए आपके 36,000 रुपए, तो आपके एनुअलाइज्ड रिटर्न हो गए 16% के। अब हम देखते हैं कि अलग अलग पीरियड्स में ये कितना रिटर्न बना। अगर हम 30 साल का लें, 1989 से ले लें, सितंबर 1989 से लेके सितंबर 2019 तक ले लें, तो आपके एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स बनते हैं 14% के। अगर हम 20 साल के रिटर्न्स ले लें, यानी कि सितंबर 1999 से लेके 2019 सितंबर तक, तो आपके करीब एवरेज 11% के रिटर्न्स बनते हैं। और अगर हम पिछले 10 साल के ही रिटर्न्स की बात करें, यानी कि सितंबर 2009 से लेके सितंबर 2019 तक, तो हमारे रिटर्न बनते हैं 9%। अब देखिए 9% आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से थोड़े से कम रिटर्न है, तो अगर मैं मान लीजिए सितंबर 2009 की जगह यहाँ पे मार्च 2009 कर देता, तो हमारे रिटर्न हो जाते 15%। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट की हम साइकिल समझ लें। मार्च 2009 से आप यहाँ देख सकते हैं, मार्च 2009 कई करीब करीब यहाँ पे है, और यहाँ देख सकते हैं एकदम से स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गई है। सितंबर 2009 में एकदम से स्टॉक मार्केट यहाँ पे अराउंड 8,000 से लेके 15,500 चली गई थी। इसीलिए स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट पीरियड की बात करें तो। और यहाँ पे
डिपेंड करता है कि अब किसी ने यहाँ पे 8,000 पे इन्वेस्ट किया हो, किसी ने हो सकता है 15,500 पे इन्वेस्ट किया हो, लेकिन ये साइकिल्स प्रेडिक्ट करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, ये विद एक्सपीरियंस एंड विद टाइम ही आ पाता है। और यहाँ पे फिर भी समझने वाली बात क्या है वो समझिए, लॉन्ग पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉस कहाँ हुआ? अगर आपने सेंसेक्स को अगर हम एक स्टॉक समझ लें उसके अंदर ही निवेश किया होता तो लॉस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 10 साल के पीरियड में लॉस है, ना 20 साल के पीरियड में लॉस है, ना ही 30 साल के पीरियड में लॉस है, ना ही 40 साल के पीरियड में लॉस है। लॉन्ग टर्म में आपका लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, अगर आप ये सोचें कि 2 साल के अंदर मेरा पैसा बनेगा तो ज़रूरी नहीं है, आपको रुकना चाहिए। और हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो बिल्कुल, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग एकदम सेपरेट गेम है, वो आपको ट्रेडिंग के अलग से नॉलेज चाहिए, उसके अलग से फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डूबता नहीं है। अब एक बार हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली समझते हैं इस ग्राफ के अंदर कि आखिर किस किस टाइम पे ये स्टॉक मार्केट डूब गई थी और क्यों डूबी थी, क्यों एकदम से चढ़ी थी, बुल रन क्या था, बियरिश रन क्या था। लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि सेंसेक्स आखिर ऊपर नीचे क्यों जाता है। देखिए, सेंसेक्स तो टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके स्टॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्टॉक्स ऊपर नीचे क्यों जाएंगे? क्योंकि लोग समझेंगे कि उनका बिजनेस ऊपर नीचे जाने वाला है, इसलिए वो स्टॉक की वैल्यू ऊपर नीचे लेके जाएंगे। स्टॉक बेसिकली बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी भी बिजनेस की वैल्यू ऊपर नीचे क्यों जाती है? क्योंकि उसके प्रॉफिट्स ऊपर नीचे जाते हैं। प्रॉफिट्स ऊपर नीचे क्यों जाते हैं? क्योंकि फ्यूचर में कैसा उसका सेक्टर का परफॉर्मेंस होगा वो शायद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, शायद मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस तरीके की कंजम्पशन हो रही है कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, डेमोग्राफिक्स किस तरीके के हैं, कस्टमर कैसा है, उस सेक्टर की ग्रोथ कैसी चल रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं। तो एक तो हो गए आपके कंपनी के फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, उसकी अर्निंग्स पोटेंशियल, फ्यूचर आउटलुक, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। दूसरा होता है सेंटिमेंट्स, यानी कि ग्रुप साइकोलॉजी। लोगों को अगर लगेगा कि ये फ्यूचर में बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा या कोई बैड न्यूज आ गई तो उस वजह से भी स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये चीज मैं अब आपको इवेंट्स के थ्रू दिखाता हूं कि एक्चुअली सेंसेक्स पे कैसे इवेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे प्रभाव पड़ा, और फंडामेंटल्स और साथ में सेंटिमेंट्स दोनों का ही मिश्रण होता है। तो हम एक बार समझते हैं हमारा ये जो सेंसेक्स है ये 100 से 36,000 कैसे पहुंचा 40 सालों में। तो ये देखिए 1979 अप्रैल 1 को तो हमने देख ही लिया है कि 100 वैल्यू थी सेंसेक्स की, उसके बाद ये ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1990 जुलाई में पहली बार 4 फिगर में पहुंचा, 1001 वैल्यू थी जुलाई 1990 में। उसके बाद 1992 तक ये बहुत तेजी से गया, तो 89 से लेकर 92 तक की अगर आप यहाँ जर्नी देखेंगे, ये अगर 89 है और ये यहाँ पे मार्च 1992 है, तो बहुत तेजी से बढ़ा है सेंसेक्स। 1000 से कम वैल्यू थी 1989 में, और 1992 3 साल के अंदर अंदर ये 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। और यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे बेसिकली एक बबल आ गया था, और यहाँ पे हर्षद मेहता ने एक स्कैम किया था। आपको पता ही होगा कि हर्षद मेहता स्कैम 1992 में हुआ था, स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है उसको। वहां पे स्टॉक मार्केट इन्फ्लेट कर दी गई थी आर्टिफिशियली। अब स्टॉक मार्केट स्कैम में हुआ क्या था एग्जैक्टली हर्षद मेहता स्कैम में, ये हम किसी आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हर्षद मेहता स्कैम में यहाँ पे एकदम से बबल बर्स्ट हुआ, मार्केट्स के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ, उसके बाद मार्केट्स एकदम से डूब गई, क्रैश कर गई। और आप देखेंगे मार्केट्स तो यहाँ पे क्रैश करी, लेकिन उसके आने वाले 7 साल तक, यहाँ पे 1999 हो गया करीब, 1999 तक मार्केट्स उसी रेंज के अंदर रही, करीब करीब 4000 की रेंज जो 1992 में थी, ग्रेजुअली थोड़ा सा बढ़ा फिर घटा, तो लगभग ये फ्लैट रही। और ये फ्लैट क्यों रही? काफ़ी टाइम तक यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। 1996 से लेके अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1996 से लेके 1999 का पीरियड देखेंगे तो 3 साल के अंदर 4 प्रधानमंत्री बदले थे। और उससे पहले वाले पीरियड की अगर हम बात करें 1992 से 96 वाला जो पीरियड था, क्योंकि ये बबल इतना बड़ा क्रिएट हो गया था यहाँ पे 1992 के अंदर, हालांकि इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हो गए थे, इंडिया ने अपनी ग्रोथ पिकअप करनी शुरू कर दी थी 91 तक से पहले, तो देखिए हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो आप ये 91 के पहले का जितना भी देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत कम थी, लेकिन हाँ बेस भी उसी हिसाब से काफी लो था। तो आप अगर रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स तो ठीक ही थे, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री था, बेस काफी छोटा है, तो अगर आप परसेंटेज रिटर्न्स देखेंगे तो अच्छे ही आएंगे। लेकिन ये जो 3 साल का पीरियड था 89 से लेकर 92 तक, ये इतना ज्यादा इन्फ्लेट हो गया मार्केट। जैसा मैंने आपसे कहा, मार्केट्स मूव इन एक्सेसेस, जब हम एक्साइट होते हैं तो ज्यादा बाइंग शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि ओवरनाइट हम पैसा बनाएंगे, तो हम 5 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदने को तैयार हो जाते हैं।
तो इसी वजह से यहां पे ये इन्फ्लेटेड मार्केट थी, उनको अपने ग्रेजुअली करेक्शन लेवल पे आने में 3-4 साल लग गए। तो हम कह सकते हैं कि 92 से 96 तक तो मार्केट्स करेक्शन मोड के अंदर ही थी, 96 से लेकर 99 तक काफी अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, साथ में कारगिल वॉर भी आ गया था 1999 के अंदर, लेकिन उसके बाद केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1999 में जुलाई के आसपास जब हमारा ये कारगिल वॉर खत्म हुआ था। उसके बाद इलेक्शंस हुए अक्टूबर 1999 के अंदर, वाजपेयी गवर्नमेंट आई, तब लोगों को लगा ये एक शायद स्टेबल गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे। तो अक्टूबर 1999 को 5000 टच कर गया, तो यहां पे इसके बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ये इंप्रूवमेंट भी कोई बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं थी। यहां पे 2000 फरवरी में केतन पारेख स्कैम आ गया। केतन पारेख भी हर्षद मेहता के साथ ही पहले काम करता था, उसने यहां पे K10 स्टॉक्स बोलते हैं जिनको, केतन पारेख का एक स्कैम हुआ, यहां पे भी मार्केट्स इन्फ्लेट हो गई थी। तो यहां पे भी आप समझ सकते हैं कि 99 से लेके 2001 तक ये आर्टिफिशियली कुछ मार्केट को इन्फ्लेट किया गया था। तो यहां पे 6000 हालांकि ये टच हो गया था, लेकिन ये ज्यादा समय तक चला नहीं और यहां पे हमारी मार्केट क्रैश कर गई। और मार्केट यहां पे 2001 में क्रैश हुई, उसके बाद टेररिस्ट अटैक हो गया यूएसए के अंदर, मार्केट्स फर्दर क्रैश हो गई और क्रैश होने के बाद उठी ही नहीं काफी समय तक। अगले आने वाले जो 1.5 साल था यूएस ने काफी ट्रेडिंग बंद कर दी थी, काफी ज्यादा सैंक्शंस लग गए थे कुछ कंट्रीज के ऊपर, तो ग्लोबल ट्रेड पे इंपैक्ट होता ही है। अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में सारी की सारी इकोनॉमीज ग्लोबली कनेक्ट हो चुकी हैं। इंडिया अपने सॉफ्टवेयर यूएस को बेच रहा है, यूरोप में बेच रहा है, चाइना अपना सामान मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स सारी दुनिया में बेच रहा है, सारी की सारी इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर कहीं पे भी ट्रेड कम होता है, कहीं पे भी सेंटिमेंट खराब होता है, तो बाकी की इकोनॉमीज को भी अफेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2001 में सितंबर में 3200 के आसपास था सेंसेक्स जब टेररिस्ट अटैक हुए थे, जो 9/11 केस हुआ था। उसके बाद 2003 से मार्केट्स उठना शुरू हुई और 2008 तक तो बहुत ही जबरदस्त बुल रन चला। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा बुल रन था, मतलब ये जो 5 साल थे इसके अंदर सेंसेक्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत लोग यहाँ पे वेल्दी बने, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना काफी ज्यादा पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई किया इन 5 सालों में। स्पेशली आपने देखा होगा, इनफैक्ट रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े, महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ी। अब क्योंकि लोगों के पास पैसा आया तो डेफिनेट सी बात है हम ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं गुड्स के लिए, तो इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं 2003 में जो 3000 की मार्केट थी 2008 में वो 21000 पहुंच गई। अब यहां पे भी आप समझ सकते हैं जब बुल रन होता है तो हम ओवर एक्साइट होते ही हैं, तो यहां पे भी ओवर एक्साइटमेंट डेफिनेटली था। मार्केट को एक्चुअली 21000 नहीं पहुंचना चाहिए था, वो ओवर एक्साइटमेंट में शायद जितनी मार्केट हो सकता है 15000 अगर एक अच्छा लेवल होता तो वो 15000 की जगह 21000 पहुंच गया था। और हर बबल को फूटने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, तो यहां पे क्या बहाना था? ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज के फंडामेंटल्स खराब हो गए थे, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा इकोनॉमीज आज की डेट में इंटरकनेक्टेड हैं। यहां पे आ गया सब प्राइम क्राइसिस, और यूएसए में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए थे, वो सारी सिक्योरिटीज बैंक्स ने खरीद ली थी, बिल्कुल जंक सिक्योरिटीज थी। वो जब बैंकरप्सी हुई कुछ बैंक्स की, लेमन ब्रदर्स से ये पूरा का पूरा डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हुआ था। लेमन ब्रदर्स डूबा, उसके बाद कई सारे बैंक्स बैंकक्रप्ट हो गए, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई उस टाइम पे। तो उसका इफेक्ट खाली यूएस में नहीं, पूरी दुनिया में गया। यूएस ने बहुत सारी इकोनॉमीज, मतलब अब वो जो सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो रही थी उनके काम भी तो बंद हुए। इंडिया से जितना भी उनका काम होता था वो बंद हुआ, चाइना से जो भी डीलिंग होती थी वो बंद हुई। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे सारी की सारी इकोनॉमीज हिट होंगी। और होता क्या है, जब हिट होती हैं, जब बेयरिश रन आता है तो वहां पे भी ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, समझने की बात यह है। तो जब डाउन गई मार्केट तो जितना शायद डाउन जाना चाहिए था फंडामेंटल्स के हिसाब से उससे भी ज्यादा नीचे चली गई। तो अगर हम 2008-09 की बात करें तो 21000 जो लेवल था वो सीधा सीधा 8000 आ गया। अब यहां पे देखिए 60% करेक्शन, मैंने अपनी लाइफ टाइम में सबसे बड़ा करेक्शन यही देखा है, करेक्शन नहीं है मैं तो रिसेशन ही कहूंगा, हालांकि रिसेशन की डेफिनेशन दूसरी होती है जो हम कभी डिस्कस करेंगे जरूर। और ये था ग्लोबल रिसेशन, हर इकोनॉमी में रिसेशन आ गया था यहाँ पे। यूएस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा रिसेशन आया था, लेकिन वो सारी सिक्योरिटीज यूएस के बैंक्स ने यूरोप के बैंक्स को भी बेच दी थी, और वो यूरोप के अंदर इफेक्ट आते आते एक्चुअली 2013 आ गया हो गया था, उसके भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम 2009 के बाद की बात करें इंडिया के अंदर, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई थी और यहाँ पे हमारा सेंसेक्स वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में जो उसकी होनी चाहिए थी उसमें आना शुरू हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ फिर यहाँ पे वही हम ओवर एक्साइट तो होते ही हैं, यहाँ पे हम ओवर एक्साइट हो गए।
उसके बाद आया यूरोजोन डेट क्राइसिस। हो सकता है यहाँ पे हम एक्साइट ना भी हुए हों, ये हो सकता है नेचुरल लेवल हो, क्योंकि अब देखिए वापस हम 20-21 हज़ार के लेवल पे आ गए थे, अब यहाँ पे 21 हज़ार का लेवल वापस से 18 हज़ार पे चला गया, यहाँ पे दोबारा से एक ग्लोबल क्राइसिस आया, तो यूरोजोन का डेट क्राइसिस। अब जो यूरोपियन बैंक्स ने वो जो जंक सिक्योरिटीज खरीदी थी उनका इफेक्ट धीरे धीरे आना शुरू हुआ, कुछ बैंक्स ने, बड़े बड़े बैंक्स ने, यूरोप के ने भी डिफॉल्ट करना शुरू हुआ, कुछ तो कंट्रीज ने भी डिफॉल्ट कर दिया। इनफैक्ट ग्रीस ने डिफॉल्ट किया, इटली ने डिफॉल्ट किया, जर्मनी से बड़े बड़े लोन्स ले रखे थे। अब इन्होंने डिफॉल्ट किया तो जर्मनी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि उसके एनपीएस क्रिएट हो रहे हैं जो जर्मनी ने लोन दे रखा था अलग अलग कंट्रीज को। तो उस वजह से यहां पे भी ग्लोबल रिसेशन की वजह से इंडिया के अंदर भी इंपैक्ट आया, लेकिन फंडामेंटल्स यहां पे स्ट्रांग थे, कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा इंपैक्ट होना चाहिए था, ये एक मोमेंट्री था, लेकिन उसके बाद यहां पे थोड़ी सी हमारी मार्केट्स चढ़ना शुरू हो गई थी 2013 के बाद, और उसके बाद एक दोबारा हमारा बुल रन आया। और वो बुल रन क्यों आया, क्योंकि 2014 में स्टेबल गवर्नमेंट आ गई थी, मेजॉरिटी से आ गई थी बीजेपी गवर्नमेंट, और यहां पे 5 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से हमारा, देख सकते हैं हम कि सेंसेक्स काफी अच्छा चला और 20,000 के लेवल से ये 40,000 तक पहुंच गया था। लेकिन यहां पे हमें बीच में 2016 में एक मोमेंट्री गिरावट देखने को जरूर मिली थी, शायद ये डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी के कुछ इफेक्ट्स थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से बिजनेसेस पिक करे और 40,000 तक सेंसेक्स पहुंच गया। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो 36,000 पे वापस से आ गया है सेंसेक्स, अभी ये 36,000 चल रहा है, जैसे हमने पहले देखा था सितंबर 2019 की अगर हम बात करें। और 40,000 से 36,000 आने का ये रीज़न है कि आज की डेट में जो जीडीपी की हम फिगर कह रहे हैं वो 5% के आसपास आ गई है, ग्रोथ रेट कम हो गया है, इंडिया के अंदर भी स्लोडाउन का इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है इनफैक्ट। तो इंडिया के अंदर भी क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इस वजह से मार्केट्स भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती हैं। तो आई थिंक आपको एटलीस्ट ये हिस्टोरिकल इवेंट्स से आइडिया लगा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है, सेंटिमेंट्स का बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है स्टॉक्स के ऊपर, और फंडामेंटल्स का फर्क तो पड़ता ही है। मेरा पर्पस था यहां पे आपको फैक्ट्स दिखाना, ओवरऑल हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें साइकिल्स समझनी भी जरूरी हैं। तो अगर हम जैसे हम यहां बात कर रहे थे, आप ये देखिए 2009 में अगर आपने निवेश किया होता तो आपके एक साल के अंदर ही डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स हो जाते, एक डेढ़ साल के अंदर ही। लेकिन अगर आपने 2008 में जनवरी में यहां पे निवेश कर दिया होता और आप 2009 में बिल्कुल पैनिक सेलिंग करके निकल जाते तो आप सोचिए 60% लॉस करा के निकलते। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे मार्केट एंट्री कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार हमें यह आइडिया नहीं लग पाता है। तो इसीलिए हमारी बेस्ट बेट क्या है, हम निवेश कर लें, मार्केट को टाइम करने की ना कोशिश करें अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमने एंट्री कर ली, अब हम वेट करेंगे, हमने राइट स्टॉक्स चुन लिए। राइट स्टॉक्स चुनने पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपने एक बार राइट स्टॉक्स चुन लिए उसके बाद आप वेट कीजिए, उनको होल्ड कीजिए, 10 साल बाद वो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स देंगे। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। अब आप में से काफी लोग सवाल पूछेंगे कि ये रिटर्न्स आखिर हमें मिलते कैसे हैं, हमारे बैंक में आखिर पैसा कब आता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, पहली बात तो ये समझिए कि ये एफडी की तरह ऑपरेट नहीं होता है, कोई फिक्स रिटर्न्स आपको प्रॉमिस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका लॉस भी हो सकता है। एफडी के अंदर तो आपको 7-8% बैंक ने फिक्स करके दे दिया कि इतना इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने 5 साल की एफडी कराई है और लेट्स से 7.5% का इंटरेस्ट है तो वो तो आपको हर साल कंपाउंडिंग की फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन स्टॉक्स में अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा और आपका स्टॉक अच्छा था, आपने सारे फंडामेंटल्स चेक करे थे, हो सकता है वो 2 साल के बाद 150 रुपये का स्टॉक हो जाए, तो आपका 2 साल के अंदर 50 रुपये का प्रॉफिट आया है। ये 50 रुपये का प्रॉफिट आप अपना उसके एनुअल रिटर्न्स कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएंगे मेरे को लगता है 23-24% के आसपास। और दूसरे टाइप के रिटर्न्स होते हैं स्टॉक्स में डिविडेंड्स। काफी कंपनीज डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं, अगर कंपनी को लगता है कि हमें इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड की फॉर्म में भी रिटर्न देना है तो वो एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है जो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। और यहां पे मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं, जैसे रियल एस्टेट के अंदर आप समझिए, अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया है कोई प्रॉपर्टी में, लेट्स से आपने 50 लाख की खरीदी, उसको आपने 3 साल बाद 80 लाख का बेचा, 3 साल में आपका प्रॉफिट हो गया 30 लाख, तो वो हो गया आपका कैपिटल गेन। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आपने 100 रुपये का शेयर 150 का बेचा है तो वो 50 रुपये पर शेयर तो आपका हो गया कैपिटल गेन, तो वो एक हो गए आपके कैपिटल गेन वाले रिटर्न्स। दूसरे रिटर्न आपको प्रॉपर्टी से जैसे आते हैं रेंट की फॉर्म में, आपने उस प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे दिया था उन 3 सालों में, उससे भी अगर आपको 2-3% के रिटर्न आए तो वो आपके रेंटल रिटर्न्स हो गए। सिमिलरली
कंपनी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है हर साल, जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे। बहुत कंपनीज कहती हैं कि हम ये पैसा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास आज हमको लगता है बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं, हम कंपनी को काफी अच्छे स्केल पे ग्रो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल गूगल कोई डिविडेंड नहीं देती है, ऐसे काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं। लेकिन इंडिया में भी आप काफी सारी कंपनीज देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं। तो आप अगर ओवरऑल रिटर्न अपने कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप मान लीजिए आपको 1.5% के डिविडेंड रिटर्न भी मिल रहे हैं तो वो आप अपने कैपिटल गेन रिटर्न के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको लेट से 20% के रिटर्न मिले हैं कैपिटल गेन की वजह से और 2% रिटर्न मिल गए अगर डिविडेंड की वजह से, तो आपका टोटल रिटर्न बन जाता है 22%। तो इस वीडियो में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करी, पहला रिस्क, दूसरे रिटर्न्स और तीसरी टाइमिंग। इसके अंदर रिटर्न्स तो देखिए आपके हाथ में नहीं है, कंपनी जो अपना काम कर रही है वो अपने आप करेगी, वो अपने हिसाब से रिटर्न्स देगी। आपका काम है अपना एनालिसिस अच्छा करना जिससे कि आप एक सही कंपनी चुन सकें। उसके साथ दो चीजें और आपके हाथ में है, रिस्क मैनेज करना और टाइमिंग मैनेज करना। यानी कि रिस्क आप पूरा इवेल्युएट कर सकते हैं एक स्टॉक का, उसके अंदर आपको ये देखना है कि कब मेरे को किसी स्टॉक में एंट्री मारनी है, क्या वो सही टाइम है, और कब मेरे को उस स्टॉक से एग्जिट मारनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन आप कहेंगे ये बहुत आसान है कहना, लेकिन करने में तो काफी ज्यादा एनालिसिस लगेगा। बिल्कुल लगेगा, और आप ये भी पूछेंगे तो हमें करना क्या है आखिर, तो इसके मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं। पहला है एजुकेट योरसेल्फ, वो तो हम बात कर ही रहे हैं कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, इस सीरीज में बने रहिए, वो तो आपको करना ही है। दूसरा आपको करना है अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए, स्टार्ट स्मॉल। आप 10,000 रुपए अगर आपको कंफर्टेबल लगते हैं आप 10,000 रुपए से स्टार्टिंग कीजिए। 1,00,000 रुपए हो सकता है किसी के लिए कंफर्टेबल हो, किसी के लिए हो सकता है 10,00,000 रुपए कंफर्टेबल हो, जो भी आपको छोटा अमाउंट ही सही अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप एक छोटी शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टर्स को स्टडी कीजिए, बहुत सारे फेमस इन्वेस्टर्स हैं, उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफीज कैसी रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट है, चार्ली मंगर है, पीटर लिंच है, ये हम यूएस के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो राकेश झुनझुनवाला है, राधा किशन दमानी है, रमेश दमानी है, रामदेव अग्रवाल हैं, डॉली खन्ना है, पोरिंजू वेलियात हैं, विजय केडिया हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, उनके स्टॉक्स ने काफ़ी वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट करी है, उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी स्टडी कीजिए। साथ में धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप कौन से सेक्टर के अंदर कंफर्टेबल हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि आप एनालिसिस थोड़ा अच्छा कर पाते हैं, या आपको लगता है फ्यूचर आउटलुक इसका अच्छा होगा। तो जब आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आप आने वाले समय में काफी अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और जो ये हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमें आखिर सीखना क्या क्या है। पहली बात तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट, उसकी टर्मिनोलॉजीज वो समझेंगे, फाइनेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हमें स्टॉक को स्क्रीन कैसे करना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज का एनालिसिस, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी चाहिए, उसका इन्फेरेंस कैसे निकालना चाहिए, फाइनली एक कंपनी की सही वैल्यू क्या है और उसके स्टॉक की सही वैल्यू क्या है, क्या वो एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, क्या उसकी टाइमिंग ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें तो हम इस सीरीज के अंदर डेफिनेटली कवर करेंगे, क्वालिटी वीडियोस बनाने की मेरी ड्यूटी है और इनको किस तरीके से सिंपल फॉर्म में समझाना है ये सारी मेरी जॉब है। इसके साथ साथ आप एक डेवलप करिए अपनी रीडिंग हैबिट, आप समझ के देखिए कि अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फाइनेंस की इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आने वाले सेक्टर्स कौन से अच्छा परफॉर्म करेंगे, कौन सी अपने सराउंडिंग में देखिए कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं आपको या फिर आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को, और हो सकता है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स एक बहुत अच्छी कंपनी बनाती हो जो लिस्टेड भी हो, तो क्यों नहीं आप उसका स्टॉक खरीद लें। तो ये सारी जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाएंगे, अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, स्टॉक मार्केट आपको रिस्की लगना बंद हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक शेयर होता क्या है, एक कंपनी के अंदर शेयर्स को अलॉट कैसे किया जाता है, उसको फिर लिस्ट कैसे कराया जाता है, कंपनी लिस्ट कैसे होती है, और ये स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे करती है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप मास्टर इन्वेस्टर सीरीज को एंजॉय करेंगे, साथ के साथ इसको जरूर सीरियसली लीजिए, आप अपने नोट्स बनाइए, और अगर कोई कंसेप्ट रिफ्रेश करना है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी इस मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के बारे में बताइए, हो सकता है उनका भी स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट हो
और वो भी अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।